अक्सर ऐसा होता है कि कोई हमारा दिल दुखा देता है और हम अंदर तक हिल जाते हैं कि क्या कह दिया उस व्यक्ति ने जो हमको उसको नहीं कहना चाहिए था, उसको हमको नहीं कहना चाहिए था। मतलब जो व्यक्ति हमको बुरा भला कह गया है उसको वो शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन अनजाने में ही वो कह दिया। और उसको भी पता नहीं है कि उसने ये शब्द बोलकर कितनी बद्दुआ मोल ली है, और आपके मन में उसके लिए बुरे बुरे विचार आते हैं, आप उसका बुरा बुरा करना चाहते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसे टिप देने वाली हूँ कि हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा आए। ऐसा आपको करना है, और ऐसा क्या करना है आपको जो बुरा भला कहे उसके साथ आपको क्या करना है जिससे उसको सज़ा भी मिल जाए, आपका बदला भी पूरा हो जाए, और आपको कुछ उद्वेलित मन आपका ना हो। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप यूं ही तरक्की करते रहें, खुशहाल ज़िंदगी बसर करते रहें, इसी दुआ के साथ आज का वीडियो शुरू कर रही हूं। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं सदा खुशहाली को भोगते रहें ताउम्र, ऐसी मैं ब्लेसिंग्स उनके लिए हमेशा देती रहती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। जानकारी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, हमको अनेक बार ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जो हमको बुरी लगती है। कई व्यक्ति हमको सही होने पर भी गलत ठहराते हैं, और वो हमारे लिए बहुत मतलब पीड़ित करने वाली होती है। हमको मन से बुरा लगता है और हमारे मन में उसके लिए बद्दुआ निकल जाती है, और बद्दुआ कई बार तो हम बोल भी देते हैं, उसका बुरा भला बोलने लग जाते हैं। लेकिन आज ऐसा अचूक उपाय बता रही हूँ जो आपको करना है। और कई विद्वान लोग कहते हैं कि किसी से बदला लेना हो तो उसको मन में पालना चाहिए। किसी ने आपका बुरा किया हो उसको मन में पालना चाहिए, और मौका पड़ने पर उससे बदला लेना चाहिए। लेकिन हम आपको ऐसा भी नहीं कह रहे, क्योंकि सहनशीलता हर किसी के सामने नहीं होती, हर किसी के मन में नहीं होती है। तुरंत बदला लेने की प्रवृत्ति हर मानव मन में होती है, कुछ ही बिरले होते हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, सबको क्षमा करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो दिल को छू जाते हैं और दिल को उद्वेलित करते हैं, दिल को तोड़ देते हैं, और हमको ऐसे मानव से कोई उम्मीद नहीं होती है जो हमारा बुरा कर बैठते हैं, मतलब बुरे भले हमको बोल देते हैं, जबकि हमारी कोई गलती भी नहीं है। लेकिन हमारे रिश्तेदार और मित्रों से हमको बदला लेना नहीं है, लेकिन अननोन व्यक्ति से आप बदला ले सकते हैं जो आपका कोई ऐसा वाक्य बोल गया है जो आपको बुरा लगा है और उसको आप बदला लेना चाहते हैं। अपने मन में एक पर्ची विजुलाइज करें, और उसमें आपने वो शब्द बोलना है जो व्यक्ति आपको बोल के गया है, उसको इमेजिन करके इमेजिनेशन में ही ड्रॉ करना है। फिर 3 बार क्रॉस की इमेजिनेशन रेड कलर से करनी है। 3 बार क्रॉस 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 मन में ही बोलना है। बस इतना करने मात्र से ही उसकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। आपका बुरा करने वाला खुद बुराई को भोगेगा। जो जिसने बेवजह आपको पीड़ित किया है उसकी उसको पीड़ा खुद को भोगनी पड़ेगी, ऐसी स्थिति आ जाएगी। ये शब्द आपको इमेजिनेशन करने हैं, शब्द वो जो आपको वो बोल के गया है, ध्यान दीजिएगा, वो शब्द ही आपको इमेजिनेशन करने हैं। 3 बार रेड कलर से क्रॉस 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 इमेजिनेशन करना है। अगर आप उसका नाम नहीं जानते हैं तो उसकी इमेजिनेशन को विजुलाइज करिए, जिस जो उसकी छवि है उसको विजुलाइज करिए। उसको क्षमा नहीं करना है, क्षमा तो हम किसी को भी करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों को क्षमा करने के सख्त खिलाफ़ हैं जो क्षमा करने लायक ही नहीं है। जो बद्दुआ के लायक हैं उनको बद्दुआ बनती है, जो बदला लेने लायक है उससे बदला लेना पड़ता है। लेकिन हमने आपको बताया, हींग लगे ना फिटकारी रंग चोखा आए, कुछ करना भी ना पड़े और उस शत्रु को सबक भी मालूम पड़ जाए, तो ये काम आपको मंगलवार को करना है। आज मंगलवार है, आप कर सकते हैं, इससे शत्रु की उल्टी गिनती चालू हो जाएगी। अगर आप उसको पहली बार मिले हैं और उसने आपको कुछ बुरा भला कह दिया है तो उसको क्षमा कर तब भी नहीं करना है, और विजुअलाइज करना है उसके इमेज, और जो शब्द उसने आपको बोले हैं उनको बोलिए, और कट 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 भी बोल सकते हैं, या 3 बार क्रॉस 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 भी बोल सकते हैं, मतलब क्रॉस 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 की रेड कलर की इमेजिनेशन भी कर सकते हैं। इससे आपको बदला पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो मुँह ही खाएगा, उसकी तबाही निश्चित है। जिसने आपका बुरा भला बोला है उसको तो तबाही होनी ही है, तो आपको उसको तबाही
ऐसे नहीं करनी है, ये शब्द और आपको विजुअलाइज करने हैं और इमेजिनेशन में आपको डालने हैं। रेकी शक्ति, यूनिवर्स शक्ति और आपके परम पिता परमेश्वर आपको जानते हैं कि आप कितने, आपके मजबूरी को भी समझते हैं कि आप कैसे व्यक्ति हैं। आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को पता नहीं है आपके बारे में कि आपकी क्या मजबूरी है, तो आपको किसी को ये ध्यान सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ये काम करेंगे तो उसका बदला पूरा हो जाएगा और तबाही को प्राप्त होगा वो मनुष्य जो आपको बुरा भला बोल के गया है, तो उसको तबाही निश्चित है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताना। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर उमाश्री। 25 साल का हमें एक्सपीरियंस है, हमारे इस एक्सपीरियंस का आप लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के जरिए हमसे ज्योतिष संबंधी परामर्श ले सकते हैं। तो आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।